Riba kalara ha hasias kurbara khandara ha hatiyan tukhambara khandara pahuntara tohille lekhe sihalara ha hashantara pahuntara tahille lekhe sihalara ha hashandara pahuntara kahab oho kubara kumb oho shikhere bike siyan tukhambara hasra ahzege beregele raba ha hadiyan tukhambara khalara ha lahek oho kubara kumb oho shikhere bike siyan tukhambara khasa ahzege beregele raha hadiyatun ahi kubara kumb oho shikhere bike siyan dura Radena Ahokoboro Kumbo O Shakarabegedigana Maragaha Sihan to Kabara Kalara Hassa Azege Beregela Rabaha Hashandara Baha Hadian to Kambara Kandara Bahuntara Tohileke Sihan to Kabara Kasiandura Rabu Yeshu Ham Apneapko Ishu Apkela Humeshu the Pavitra Karte Ham Permeshur Hamare Ghar Parivargo Hamare Harek Rooms Kochat Zamin Divaronko Harek Darvaze Chokatonko Or Harek Balkani Chat बाहर का हर एक एरिया पैसेज बिल्डिंग और हमारे एंट्री गेट्स कैंपस प्रभु यीशु तेरे लहू में टेरेस से लेकर फाउंडेशन तक चार दिशाओं में हम यीशु मसीह तेरे लहू में छुपा लेते हैं प्रभु यीशु तेरे लहू में हमारे घर परिवार के हर एक इंसान हर एक प्रियजन जो हमारे चिंताओं का विषय है हर एक विषय प्रभु यीशु तेरे लहू में हम रख देते हैं प्रभु यीशु तेरे लहू में हमारा उठना बैठना हर एक हमारे खाने पीने की चीजें स्टोर हाउसेस हर एक पानी के स्टोर्स हर एक आग मंडल धूल मिट्टी कण और हर एक हवा मंडल हर एक प्रकार के वायुमंडल उसमें से आने वाला हर एक जीव जंतु जो कुछ भी प्रभु यीशु हम तेरे लहू से शुद्ध करते हैं पवित्र करते हैं प्रभु यीशु तेरे लहू से इस पृथ्वी के ऊपर हम जो कुछ भी हमारे से कनेक्टेड है यूनिवर्स में यीशु तेरे लहू के अधीन करते हैं और तेरी सामर्थ के अधीन करते हैं प्रभु यीशु हमारा शरीर जिस मिट्टी से बनाया गया है उस मिट्टी के अपराध क्षमा हो चुके हैं उसके लिए यीशु मसीह का खून बहाया गया है हम विश्वास के साथ तुझे धन्यवाद करते हैं हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु विश्वास के साथ तुझे इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं तेरा शरीर तोड़ा गया है हमारे पापों को माफ़ करने के लिए हमें नई सृष्टि बनाने के लिए तूने क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिया और हमें छुड़ा लिया इस सृष्टि के अपराधों में से हर अंधकार के जातियों में से हमको तूने छुड़ा लिया अनाज्ञाकारिताओं के अधीनगी में से हमको छुड़ा लिया हमें परमेश्वर के आज्ञाकारिता में लेकर आया प्रभु यीशु तेरे पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे अंदर काम कर रहा है जिसने तुझे मुर्दों में से जिलाया वो सामर्थ अभी हमारे अंदर मौजूद है जो भी शक्ति हमारे कोई भी हिस्से के ऊपर अपना क्लेम लगाती होगी बंधुवाई में डालती होगी कुछ भी लेकर हमें कहीं से भी दुष्ट आत्माओं के साथ कनेक्ट करती होगी हर वो चीज़ मैं यीशु के नाम से हमारे हर हिस्से में से डिस्ट्रॉय कर देती हूँ हर वो ब्रिज यीशु के नाम से मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ जो ईवल स्पिरिट का हमारे कोई भी हिस्से में रुकने का स्थान बन गया है चैनल बन गया है प्रभु यीशु के नाम से मैं उसे डिस्ट्रॉय करती हूँ परमेश्वर का आत्मा जहाँ पर है वहाँ पर आज़ादी है इस बात पर हम परमेश्वर अपना मन रखते हैं अपने विश्वास को परमेश्वर इस बात के ऊपर रखते हैं कि हम नए सृष्टि बनाए गए हैं नया सृष्टि में हमारा शरीर परमेश्वर के लिए जीवता बलिदान है हमारे शरीर प्राण आत्मा के अंदर परमेश्वर की मर्जी है हम परमेश्वर को भाने के काम करने वाले प्रभावित करने वाला आत्मा हमारे अंदर मौजूद रखा है वो हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलाता है वो हमारी इच्छा नहीं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे अंदर निवास करता है हमारे अंदर का वरदान परमेश्वर के महिमा के लिए है परमेश्वर के राज्य के काम करने के लिए हमारे अंदर से हमारा वरदान परमेश्वर ने दिया हुआ उसके आत्मा का हर एक काम पूरा करता है उसने हमें अभिषेक किया है हमारे सिर के ऊपर तेल उंडेला है हमें पूरे तरह से परमेश्वर की शक्ति से भर दिया है हम परमेश्वर की व्यवस्था में है जो आत्मा की व्यवस्था है हम परमेश्वर के आत्मा के व्यवस्था के अधीन हैं हमारे ऊपर परमेश्वर के आत्मा की व्यवस्था है हम शहरपना टूटे हुए लोग नहीं हैं हम शहरपना
परमेश्वर के आत्मा की व्यवस्था के कारण बनी हुई शहरपनाह में रहते हैं। हम शहर जो टूटे शहरपनाह होती है उस तरीके के हम नहीं हैं। हमारी हर एक बात प्रभु यीशु ने पूरी कर रखी है। हम अधूरे नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम चट्टान पर बंधे हुए घर हैं जिसके ऊपर आंधी और तूफान लगता है और उससे गिरता नहीं है ये घर। मेरा परमेश्वर हमारी नींव है, उसका वचन हमारी नींव है जो कभी नहीं हिलेगी, कभी नहीं डिगेगी। परमेश्वर का वचन हमारे लिए उजियाला है, आगे बढ़ते जाने के लिए हमारे लिए वो रास्ते हैं। हम परमेश्वर के रास्ते में हैं, हम परमेश्वर के गुणगान करने के लिए हैं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। हमारी ज़िंदगी का हिसाब परमेश्वर के न्याय के सामने रखा गया है। हम जो कुछ भी है परमेश्वर के कारण है, हमारे कोई भी हिस्से हमारे अपने नहीं है, परमेश्वर के हैं। हम अपने लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए हैं। ओ बारा खत इहल्लाहा हसिया स्कुर बरखंदरा हस्सा रदीन एको बरखुंब ओह शखेरे बेके सियान तुखम बरा हस्सा लहक अहको बरखुंब ओह शखेरे बेके सियान तुखम बरा खस्सा। धन्यवाद करते हैं पिता, हम जो परमेश्वर रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ को आज का रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रभु यीशु हम तेरे अधीन आते हैं। ये वचन हमारे हृदय में घर करे, हमारे अंदर बाहर हमें नया सृष्टि का अनुभव प्राप्त करने दे। तेरी सामर्थ का हमारे ऊपर जो काम होना चाहिए उसका अनुभव हम प्राप्त करें। हमारी ज़िंदगी में तेरे चमत्कार हो और तेरे कारण परमेश्वर हम तेरी महिमा करने वाले लोग तेरे कारण ऊंचे दिखने लगे। मेरे परमेश्वर, हमारी अवस्थाओं को बदलने के लिए हम तेरे हाथों में आते हैं। हमारी हर एक कठिन अवस्था, हर एक नाकामयाबी की, हर एक डर की अवस्था, हर एक प्रकार के हमारे भटकने की अवस्था, सब अवस्थाओं को हम तेरे सामने लाकर रख देते हैं। हमें बदलने के लिए तेरे वचनों के द्वारा हमें तैयार करने के लिए हम तेरे अधीन आते हैं। थैंक यू आबा फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। थैंक यू फादर, धन्यवाद हो। हमें परमेश्वर तेरे स्वर्ग दूतों से घेर ले और हमारा ये समय परमेश्वर तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल कर। पवित्र आत्मा हमें सब बातों में सिखाने के लिए हमारे अंदर से काम कर रहा है, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से विनतियों को, प्रार्थनाओं को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन।